आज तारीख हो चुकी है 2 सितंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, दरअसल आईपीएल के पार्ट 2 के लिए। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने तो यहाँ पर दुबई में अपना कैंप लगा लिया है और कल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ भी अब यहाँ पर दुबई पहुंच कर इस टीम को ज्वाइन कर चुके। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर स्टीवन स्मिथ की फोटोज और वीडियोज देख पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर एक समय में खबरें थी कि स्टीवन स्मिथ आईपीएल के पार्ट 2 से अपना नाम विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इन्होंने आईपीएल खेलने का फैसला लिया, दुबई ये पहुंच चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आईपीएल के पार्ट 2 में आखिर स्टीवन स्मिथ को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आती है सीएसके और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। दरअसल सीएसके और राजस्थान दोनों टीमों के 2 दिन पहले बड़ी बुरी खबर निकल कर रही थी, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए यहां पर लिविंगस्टोन के आईपीएल की अवेलेबिलिटी पर काफी अधिक सवाल थे, जहां पर काउंटी के मुकाबले में ये फील्डिंग करते हुए शोल्डर से इंजर्ड हो गए थे। लेकिन अब राजस्थान के लिए बड़ी कुछ खबरें निकल कर आई है, जहां पर अब लिविंगस्टोन को फिट घोषित कर दिया गया है और बच्चे हुए काउंटी के सभी मुकाबलों में उपलब्ध होंगे। कुल मिलाकर अब ना सिर्फ काउंटी बल्कि आईपीएल के पार्ट 2 में और T20 वर्ल्ड कप में भी उपलब्ध होंगे राजस्थान के लिए बड़ी कुछ खबरें। अब लिविंगस्टोन आईपीएल के पार्ट 2 में इस टीम के लिए उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही सीएसके की टीम के लिए भी अब बड़ी कुछ खबर है, जहां पर रविंद्र जडेजा यहां पर तीसरे टेस्ट मुकाबले के बाद अपनी इंजरी के चलते हुए हॉस्पिटल गए थे, इनका स्कैन किया गया था। लेकिन अब बड़ी कुछ खबर है कि जडेजा भी पूरी तरीके से फिट और अवेलेबल हो चुके हैं। इवन आज जो भारत और इंग्लैंड का 4th टेस्ट मुकाबला होगा, इस मुकाबले में भी ये सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होंगे। तो कुल मिलाकर इन दोनों ही टीमों के लिए बड़ी कुछ खबर है, दोनों ही प्लेयर्स आईपीएल के पार्ट 2 में अब उपलब्ध होंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की आप क्रिकेट से जुड़ी छोटी बड़ी कोई भी खबर मिस ना कर पाए। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है यहाँ पर सीपीएल के रवि रामपोल की तरफ से। दरअसल यहाँ पर वेस्ट इंडीज के रवि रामपोल का यहाँ पर सीपीएल में अब तक काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, जहां पर सीपीएल में अब तक ये लीडिंग विकेट टेकर है, जहां पर टीकेआर की तरफ से खेलते हुए इन्होंने गेंद के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। और हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर सीपीएल में इवन लुइस का भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था और उनको राजस्थान रॉयल्स की टीम रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में इंक्लूड कर चुकी है। तो इस तरीके से अब रवि रामपोल की भी हमें आईपीएल के पार्ट 2 में एंट्री देखने को मिल सकती है, किसी ना किसी टीम में अब इनकी एंट्री हो सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब रवि रामपोल की हमें आईपीएल में रिप्लेसमेंट के तौर पर मोस्ट लाइकली एंट्री देखने को मिल सकती है, ना सिर्फ आईपीएल में बल्कि T20 वर्ल्ड कप में विंडीज की टीम में भी अब इनका सिलेक्शन लगभग कंफर्म हो चुका है। तो कुल मिलाकर एक समय में रवि रामपोल यहाँ पर आरसीबी की टीम का आईपीएल में भाग रह चुके हैं, इवन गेंद के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर चुके हैं, तो शायद दोबारा से इनकी वापसी हो जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर विंडीज के इस तेज गेंदबाज की कौन सी टीम में एंट्री होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है कायरन पोलार्ड की तरफ से। दरअसल कायरन पोलार्ड को आईपीएल से पहले अब बीसीसीआई ने एक वार्निंग दे दी, अगर या फिर ये बीसीसीआई की वार्निंग को नहीं मानते हैं तो इनको आईपीएल के पार्ट 2 से बैन किया जा सकता है। यहां पर सीपीएल के मुकाबले में अंपायर के साथ भिड़ गए थे, अंपायर ने यहां पर एक बॉल को वाइड नहीं दिया था, इसके बाद यहां पर कायरन पोलार्ड अंपायर से भिड़ गए थे और यहां पर अंपायर के विरुद्ध इन्होंने रन लेने के लिए यहां पर पिच से लगभग 2 गुना दूरी से इन्होंने यहां पर रन कंप्लीट किया था। आप अपनी स्क्रीन पर इनकी फोटोज और वीडियोस देख पा रहे होंगे, जहां पर अंपायर ने वाइड बॉल नहीं दी थी, इसका विरोध करते हुए यहां पर कायरन पोलार्ड ने लगभग थर्ड अंपायर जहां पे खड़ा होता उतनी दूर से यहां पर रन कंप्लीट किए थे, कुल मिलाकर अंपायर को परेशान करने के लिए और अंपायर को यहां पर इरिटेट करने के लिए कायरन पोलार्ड ने यह फैसला लिया था। तो बीसीसीआई ने तो कायरन पोलार्ड को यहां पर वार्निंग दे दी है कि अगर आईपीएल में इस तरह की कायरन पोलार्ड गलती करते हैं या फिर अंपायर से कोई भी विवाद करते हैं तो इनको आईपीएल के पार्ट
2 से यहाँ पर बैन भी किया जा सकता है, एमआई की टीम को बड़ा झटका लग सकता है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग बीसीसीआई ने आखिर पोलार्ड को सही वार्निंग दी है या फिर नहीं। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने अब ये कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर इस सप्ताह में T20 वर्ल्ड कप की टीम देखने को मिलेगी, यानी भारतीय 15 मेंबर की हमें T20 वर्ल्ड कप की टीम देखने को मिलेगी। मोस्ट लाइकली हो सकता है कि इस हफ्ते किसी भी दिन T20 वर्ल्ड कप की टीम आ जाए, और यहाँ पर अगर इस हफ्ते नहीं आ पाती है तो 7 सितंबर को हमें दोपहर को 2 बजे यहाँ पर फाइनली हमें टीम देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर आईसीसी ने कन्फर्म कर दिया है कि एक टीम केवल 15 ही मेंबर्स की यहाँ पर वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर सकता है। तो कुल मिलाकर अब 7 सितंबर से पहले पहले हमें टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की टीम देखने को मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, ताकि जब भी टीम इंडिया की यहाँ पर वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो तो आपको हमारे चैनल पर यहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की एक्सपेक्टेड टीम देखना चाहते हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है डेविड वॉर्नर की तरफ से। दरअसल डेविड वॉर्नर ने अपने आईपीएल में अवेलेबिलिटी शो कर दी। उन्होंने बता दिया कि अगले सप्ते दुबई आकर अब हैदराबाद की टीम को ये ज्वाइन कर लेंगे। हैदराबाद की टीम दुबई पहुंच चुकी है, अगले सप्ते दुबई आकर ये इस टीम को ज्वाइन कर लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर वॉर्नर के एक फैन ने यहाँ पर नीचे कमेंट किया था इनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर। यहाँ पर इनके फैन ने कमेंट किया था कि आईपीएल के पार्ट 2 में वो वॉर्नर का शतक देखना चाहते हैं। वॉर्नर ने रिप्लाई करते हुए ये बताया कि अगर टीम इनको सेलेक्ट करती है यानी प्लेइंग 11 में अगर इनको मौका मिलता तो ये जरूर शतक बनाएंगे। कुल मिलाकर अभी भी हैदराबाद और वॉर्नर के बीच जो विवाद चल रहा है, इस विवाद के चलते हुए हो सकता है कि आईपीएल के पार्ट 2 में इनको प्लेइंग 11 में मौका ना मिले, एक बार फिर से इनको बाहर बैठना पड़े। कुल मिलाकर अगर हैदराबाद की प्लेइंग 11 में इनको मौका नहीं मिलता है तो हैदराबाद की टीम को काफी अधिक नुकसान होगा। और मेगा ऑक्शन में तो वॉर्नर का वैसे भी टीम बदलना था, वैसे भी मेगा ऑक्शन में अब ये किसी नई टीम का भाग होंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर वॉर्नर को प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है ऑस्ट्रेलिया की जर्नलिस्ट एमांडा बेली की तरफ से। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की इस जर्नलिस्ट ने अब आईपीएल के पार्ट 2 को लेकर और आरसीबी की टीम को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बताया कि आईपीएल के पार्ट 2 में अब आरसीबी की टीम आईपीएल की चैंपियन बनेगी। 15 अक्टूबर को यहाँ पर दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आरसीबी की टीम आईपीएल की चैंपियन बनेगी। इन्होंने अपने 10 साल के यहाँ पर पत्रकारिता के एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये कमेंट किया। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर 15 अक्टूबर को आरसीबी की टीम आईपीएल की चैंपियन बनेगी या फिर नहीं, और आपके अकॉर्डिंग आईपीएल के पार्ट 2 की कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, आप नीचे कमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है सीपीएल को लेकर। दरअसल हाल फिलहाल में विंडीज में चल रहे सीपीएल में यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। कुल मिलाकर आरसीबी इसके साथ ही सीएसके, दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के टीमों के लिए, इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए बड़ी कुछ खबर है, जहां पर सीपीएल में अब तक इन टीमों के प्लेयर्स का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। जहां पर शिमरन नेटमायर का, टिम डेविड का, इसके साथ ही इमरान ताहिर, इसके साथ ही टिम शाइफर्ड का, इसके साथ ही आंद्रसल का, इसके साथ ही एवन लुइस का और ओशन थॉमस का इस टूर्नामेंट में अब तक काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो आईपीएल के पार्ट 2 से पहले अब विंडीज में आईपीएल के प्लेयर्स का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, और अगर आईपीएल में भी ऐसा प्रदर्शन होता है तो इनकी टीमों को यहां पर काफी अधिक बेनिफिट होगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन सभी प्लेयर्स में से आखिर आईपीएल के पार्ट 2 में कौन से प्लेयर का सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।